देखो, बग्गे का तो पूरा भरोसा है कि वो इस प्रकार की हरकतें कर सकता है, लेकिन बग्गी के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो भी इस प्रकार की हरकतें करेगी। बाप सोच रहे होंगे ऐसा का कर दिया बग्गी ने। अरे बग्गी राखी बांध रही है अपने पति को, हैं? लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि बहन, रक्षाबंधन और फ्रेंडशिप डे में ना फर्क होता है। कुछ ऐसी हरकतें बग्गे की जिसपे आज फिर से वार्तालाप करनी पड़ ही जाएगी। अब जब इन लोगों के भक्त हैं वो बोलते हैं कि हर चीज़ में लोग कमियां निकालते रहते हैं, तो बहन ऐसा कौन करता अब तुम बताओ। ये कमी वाली ही तो बात है, कमी ना निकाले इसमें तो कहाँ निकालें भाई। कौन सी बीवी अपने पति को राखी बांधती है यार? मतलब यार तुमने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। सच बताएं तो हमको बहुत ही हंसी आई जब तुमने कहा कि परेतिन नहीं है तो अपनी जो है बीवी से ही राखी बंधवा लेता हूँ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। बग्गे के कुछ रंग दिखेंगे। हमारा प्यारा बग्गा गया है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मम्मी जी किसी के साथ हैं, क्योंकि मम्मी जी तो भली चंगी, मम्मी जी को ऐसा कुछ समस्या नहीं है, पर किसकी वजह से हॉस्पिटल गए टाइटल जरूर है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ बताया नहीं गया है। खासकर आखिर क्यों 3 दिन से मम्मी जी हॉस्पिटल में रुके हैं? बस क्वेश्चन मार्क और सोचने वाली इमोजी। अरे नास पिटे ससुर का नाती बग्घा, हम सबको बेवकूफ़ समझे का? बताएगा रीज़न तब इन तो हमको सबको पता चलेगा। या फिर हॉस्पिटल भाई, हॉस्पिटल में मम्मी जी दर्शकों ज़रूर हैं, अब किस वजह से हैं ये तो हमें नहीं पता। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मम्मी जी सिर्फ रंगारंग कार्यक्रम करवा रही हॉस्पिटल में, और भाई एक नहीं दो तीन लोग फुलके बनाए रही ताई जी। दैट मीन्स कि ताई जी से रिलेटेड ही कुछ है जो हॉस्पिटल में है। अब तमाम लोग रज्जो को कह रहे हैं कि भाई नन्ना मुन्ना आने वाला है। तो कज़िन सिस्टर है इनकी रज्जो, और परेतिन की बहुत याराना था एक टाइम पे, वीडियो में खूब आती थी रज्जो। तमाम लोग पूछ रहे थे रज्जो कौन है, रज्जो कौन है, तो इनकी कज़िन सिस्टर हैं भाई साहब रज्जो। तो ये जो सब 3 लोगों का खाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया है, कसम से यार बहुत हंसी आई। मतलब दो दो गैस बर्नर वाले चूल्हे हैं, तीन तीन वाले भी हैं, लेकिन परेतिन सबसे कठिन काम कर रही है। परेतिन चाय बना रही है। चाय बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टास्क है सबसे ज़्यादा। तो परेतिन को चाय बनाने का मिला है, इन लोगों को घिया और दाल, घी की दाल बनाने की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा अरे यार अब इतना फड़फड़ाए रहा होगा, आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, पर मैं आज ऊपर बैठ के बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैंने सोचा यार मौसम अच्छा लो थोड़ी देर बैठ के बनाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मुझे नीचे ही जाना चाहिए, लेकिन चलो कोशिश करते हैं जब तक बैठ पाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो परेतिन हमारा सबसे कठिन काम कर रही है। परेतिन कर रही है चाय का निर्माण। चाय बनाने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और कम से कम 1-2 घंटा भी परेतिन के जाएंगे चाय बनाने में। बग्गी जो कर रही है, घिया हुआ सब्जी उब्जी बनाई है वीडियो में 2 बार, है ना। फुलके जो मेजर काम है, वैसे तो परेतिन को फुलके बनाना बेहद पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो बनाती भी है। बग्गी कुछ चीज़ें भी बोल रही थी कि मैं फ़र्ज निभाऊंगी, पत्नी धर्म पूरा करूंगी। मम्मी ने बोला है, उसकी ताई ने बोला है कि अपने पति को गर्मा गर्म रोटियां फुलके खिलाने का, लेकिन बग्गा इतना सरल स्वभाव का है कि वो ठंडी रोटी खाना पसंद करता है। कुछ दिन पहले बग्गे ने बताया था ना कि उनके यहाँ पर खाने पीने को लेकर बहुत समस्याएं थी। वो लोग दो दो तीन तीन दिन पुरानी रोटी खा लिया करते थे, किसी प्रकार का कोई नखरा नहीं है, और कई दिन पुरानी जो है बासी सब्जी खा लिया करते थे ढकी हुई नैया के नीचे। तब लोगों ने भाई परेतिन को बहुत लताड़ा था कि आए बचपन तो और ऐसा बीता है, और वहाँ जा ठंडा दूध का नाटक कर रही थी ससुराल माँ, हैं नास पेटी, यहाँ 4-4 दिन की ढकी रोटी खा रही थी। अब देखो बग्गे ने बताया तो लोग भरोसा तो करेंगे, भाई बंधु पे ही भरोसा करेंगे ना। तो बग्गे है भाई, है भाई थोड़े झूठ बोलेगा, तो भाई भाई की बातों पर भरोसा कर लिया। खैर वो बातें आई गई हो गई। तो फिर बग्गी की जो मम्मी ने बोला है कि देखो दिन भर में तुम चाहे जो करो, जितना क्रियाकर्म करने काम धाम वो सब करो, लेकिन शाम को तुमको ना बग्गे के लिए खाना अलग से बनाना चाहिए, अलग से फुलके बनाने चाहिए। तो अपना सारा फर्ज वर्ज बग्गे ने याद दिलाया है। सामान अभी भी बिखरा पड़ा है, तमाम सामान बग्गी सही कर रही है।
लेकिन देखने वाली बात यह है कि भाई साहब पूरा वीडियो बनाया है बग्गी ने, मतलब जितने भी मिनट का है टोटल कितने मिनट का वीडियो है मैं बताना चाहूँगी, लगभग 20-22 मिनट के आसपास का वीडियो है। तो 22 मिनट में कहीं पर भी परेतिन का कोई न आना हुआ है न जाना हुआ है। परेतिन के भक्त लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं, कह ही रहे हैं कि भाई साहब परेतिन को तुम लोग इग्नोर कर रहे हो, एक ही घर में रह के ठीक है छत दूसरी है पर घर तो एक है, पर तुमको बता दें टरू वालों नास पीटो घर भी दूसरा है। परेतिन कहती है मेरा वाला घर नीचे वाला घर हो। परेतिन ने बोला था अपने वाले घर में वो पापा के नाम की नेम प्लेट लगाएगी, हालांकि वो आया गया हो गया क्योंकि ये लोग ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं समय समय पे, वो ख्याली पुलाव पूरे नहीं होते हैं। तो अभी जो हो रहा है दर्शकों ये हो रहा है, लगातार बार बार बस यही चीज़ें बोली जा रही हैं, है ना, कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन परेतिन जब आ नहीं रही तो कहाँ से परेतिन को पकड़ के ले आए। परेतिन को कोई अपनी पर्सनल वजह होंगी, उसने बोला था ना कि किसी को सहायता की ज़रूरत होगी तो मैं सहायता तो कर दूंगी पर मैं अपने सुख और अपने दुख में अब नो वन किसी को मैं शामिल नहीं करूंगी। और ये आदेश कहाँ से मिला है, बिग बॉस के पास से। तो अगर बिग बॉस ने ऐसा आदेश दे दिया है तो भाई कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि बिग बॉस के आदेश को पालन ना करे, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और हाँ ये हॉस्पिटल वाला गेम बग्गे ने बहुत अच्छे से खेला है, पूरा त्रिया चरित्र भी कर डाला है ना, लेकिन कुछ बताया भी नहीं कि कौन है। अरे नास पीटा यो तो बता देते हो मुँह खोल करके कि कौन है हॉस्पिटल में, और ऊपर से मम्मी जी ऐसे जैसे लग रहा है कि कहीं घूमन घामन गई हैं, करेला भी लेते आना, ये वाली सब्जी भी लेते आना, वो वाली सब्जी भी लेते आना, फुलके भी ले आते आना, चाय, अरे चाय में तो पैसा खर्च कर लो, घर से बनाए के चाय जा रही है इतना हंसी मजाक वाला सब सीन लग रहा था कि का ही बताएं दर्शकों। लगातार बार बार लोग इस चीज़ को लेकर भी पूछ रहे हैं कि भाई बताओ तो हॉस्पिटल में का हुआ, सब ठीक ठाक तो है। मम्मी जी हॉस्पिटल हो घर हो या फिर होटल हो, हर जगह एक ही जैसा ट्रीटमेंट है उनको। बस वैसे हॉस्पिटल में मम्मी जी का स्टोरी लगाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए कहीं जगह वगह मिल गई कि नहीं, क्योंकि मम्मी जी को स्टेटस में लगाने के लिए फ़ोटोज़ ज़रूर चाहिए होते हैं। अब हॉस्पिटल में भी कोई जगह देख ली होंगी तो स्टोरी बनाने भर का फ़ोटो खिंचवा ही ली होंगी लगातार बार बार। बग्गा लगातार कल से तुमसे पूछ रहे हैं लोग कि भाई तुम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो तो कभी काम पे भी जाया करो, लेकिन बग्गे का काम का है सब्सक्राइबर्स भी लिखते रहते हैं समय समय पर, नई नई चीज़ें सिखाता रहता है कि धनिया को कैसे लपेट उपेट के कौन से पेपर में रखें, कहाँ रखें तो सूखे ना, अमरूद कैसे काटना है, सब्जी में हाथ बटाने के लिए खाना पानी बनाने के लिए बग्गा सहयोग करता रहता है। लेकिन प्रोजेक्ट के नाम पे बग्गा झूठ ही बोल के चले जा किसी दिन कि आज जा रहे साइट पे कुछ काम है, कुछ प्रोजेक्ट मिला है, उसमें कार्ड में तो बड़ा बड़ा लिखा था कि लड़का का है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन लड़का जब देखो तो घरहीन में नज़र आ रहा है, लड़का कुछ काम धाम नहीं करता। नहीं करता तो इसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में शायद इतना ना कमा पाते, लाख के ऊपर जहाँ यहाँ कमा ले रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट तो इनको मिलते नहीं थे किसी के और पे, कोई थे इनके जान पहचान के भाई बंधु जिनके सहयोग से इनको काम मिल जाता था, अब शायद इन्होंने वो उचित नहीं समझा कि जब मुँह चलाने से ही अच्छा खासा पैसा अर्न हो रहा है, अब मही डेली के भाई 15-20-22 मिनट खर्च कर देते हैं, चलो एडिटिंग पेडिटिंग में मान लेते हैं 10-15 मिनट लग जाएगा, ये लोग कौन सा बहुत प्रो एडिटिंग करते हैं, तो अगर एक आध घंटे ऐसे कुचिर पुचिर बना लें और घर में 1 लाख रुपये से ऊपर आ रहा है एक पर्सन का, तो किसी का कुछ बुरा नहीं है भाई, भाई अच्छा खासा जिंदगानी चल रहा है, अच्छा खासा रहन सहन चल रहा है, ब्रांड पहना जाता है, अच्छा खाया जाता है, अच्छा घूमा जाता है, महीने में 6 बार बाहर जाते हैं, और क्या चाहिए। बाकी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी, साइट पे जाना पड़ेगा, काम देखना पड़ेगा, तो लेकिन जनता तो पूछ रही है कि भाई बग्गी बताओ तुम्हारा पति बातें बनाने के अलावा और क्या करता है तो मज़ेदार है बग्गी क्या ही आंसर करे। रहा कुहा कसर जो परेतिन नहीं आ रही है तो लोग बग्गी को टारगेट कर रहे हैं कि जब से भाई परेतिन ऊपर चली गई है भाभी की वजह से नीचे नहीं आती है, क्योंकि इनका जो देखो तब कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। लास्ट में बग्गी मुंह बनाए बाहर बैठी थी, ऐसा लग रहा था कि उसके सर में दर्द होने लगा, कि कहीं भी बैठती है बग्गी तो बग्गा कैमरा चालू कर देता है, बस बग्गी के मुंह में कैमरा ही लगाए रखता है, वो सुकून के पल भी कुछ अगर जीना चाहे लेना चाहे
तो नहीं जी सकती है, क्योंकि कैमरा कंटेंट है बग्घी उसके लिए, बीबी तो बाद में है, तो कंटेंट को कहीं पर भी बग्घा के लिए नहीं छोड़ना चाहता है पूरे तरीके से। और रहा कुहा कसर जो इन्होंने आज अपनी बीबी से राखी बंधवा ली, लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, कमेंट्स इसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि फ्रेंडशिप डे और राखी रक्षाबंधन में बहुत फ़र्क होता है, ये तुमने कहा किया है और तुम्हारा सरदर्द किधर गया। मुझे लगता है कि भाई साहब ये पहला इंसान होगा जो अपनी बीवी से राखी बंधवा रहा है। अरे वाइफ है, राखी कौन बंधवाता है, ये क्या कर रहे हो, हस्बैंड को राखी बांध रही हो, आर यू क्रेजी, वाइफ से भी राखी बंधवाते हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई बहन का। लोग मज़े ले रहे हैं, कुल मिला के भाई मज़े वाला काम ही किया है। इतना ही नहीं यार, राखी बांधने के बाद बग्घी मिठाई भी खिला रही है। भाई इतना ज़्यादा तुम तड़फड़ाए जा रहे थे, तो बच्चा बोल रहा था बगल में सीढ़ी से बंधवा लेते, कह रहे थे कि भाई परेतिन है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बीवी से ही राखी बंधवा लूँ। भाई कभी तो कोई काम सीधे किया करो, कुनबावासी हमेशा सारे काम उल्टे करते हैं। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, राखी बंधवा ली और उन्होंने बांध भी दी, खुद भी मिठाई खिलाई, फिर खुद भी खा लिया। और हाँ, बग्घा एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, बग्घा कह रहा था कि राखी बहुत ही अच्छी है और अभी तक जितनी राखी बंधी है सबसे अच्छी है। परेतिन की राखी बांधी थी, बाकी लोगों की राखी बांधी थी, जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन बड़ा प्रचार प्रसार कर रहा था, पांच पांच राखियां, पांचों बहनों की मैं रक्षा करूँगा। राखी के अभी एक दो दिन भी नहीं बीते, हाथ में एक भी राखी नहीं, लग रहा है रक्षा करना यूँ छोड़ दी सह। उसके अलावा झूठ की दीवानी की राखी अभी बंधवा ही नहीं करी है, बांधा तो था उस दिन, कह रहा था ये कि झूठ की दीवानी ने ये राखी भेजी है, कह रहा था कि भाई झूठ की दीवानी की राखी कहाँ गई, तो दुपट्टा बोल रही थी कि हमें कहा पता, तुम जानो। ये वाली बात हमारी जिज्जी को पसंद नहीं आएगी, दोनों जिज्जी को, जो बोला है कि ना ये वाली चंबे वाली बहन की, शिमले वाली बहन की राखी सबसे अच्छी है, इसमें देखो कितना प्यार भरा है, दुलार भरा है। और रही बात पैसों की नेग की, तो जब कभी मिलेंगे तब देंगे। तो एक चीज़ बताओ दर्शकों, जब राखी ऑनलाइन आ सकती है तो क्या पैसा गूगल पे फ़ोन पे नहीं जा सकता? इतना कंजूस लीचड़ आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। जब कभी मिलेंगे तब देंगे, क्यों? राखी तुमको अच्छी वाली मिली, मिठाई तुम्हें अच्छी वाली मिली, अब नेक देने पे तुमने अपनी कंजूसी दिखा दी, यही है तुम्हारी असलियत। तुम कभी कतई सुधर नहीं सकते बग्घे, पैसों में जो तुम चिमड़ाई करते हो ना, अब इतिहास गवा रहा है कि तुमने कितना चिमड़ाई करी है और फिर से तुमने चिमड़ाई करना शुरू कर दी है। तो अब हम तो यही कहना चाहेंगे और जनता आप भी बोलिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज है नहीं, वैसे इसने डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि सुबह से जब ये डाला था एक घंटा के ऊपर हो गया, 3010 लोगों ने व्यूज़ दे दिए हैं, कमेंट्स सिर्फ 35 हैं, जानबूझ के इसने भाई बहन वाले रखे हैं कमेंट्स, और क्योंकि इसमें लोग मज़े ले रहे हैं बग्घे के, इसलिए इसने रखा कि चलो मज़ा आएगा। टाइटल इसने हॉस्पिटल वाला इसलिए डाला है, क्यों जाना पड़ा ये बताया नहीं, और हॉस्पिटल में बैठे हैं तो हॉस्पिटल भी थंबनेल पे भी ऐड कर दिया, चार फोटो भी लगा दी हैं, थंबनेल बग्घी ने बनाया है ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा थंबनेल बग्घा कभी नहीं बनाता है, या तो बग्घी के भाइयों ने बनाया होगा, क्योंकि जब से बग्घी उधर रहने लगी तभी से ऐसे थंबनेल आने लगे हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सब तुम लोग यहाँ पे ड्रामे कर रहे हो, ये ड्रामे बंद कर दो। हॉस्पिटल के नाम पे तुमने व्यूज़ खा लिए, लेकिन हॉस्पिटल क्यों गए हो, बताया क्यों नहीं, कौन है हॉस्पिटल में, सबके नाम लिख दिया है यहाँ बताओ। और मुझे टेंशन हो रही है, हमें, मुझे तो लगता है कि रज्जो है वही प्रेग्नेंट थी, रज्जो कौन है, लगातार बार बार, मतलब कहते हैं ना कि पूरा रामायण देख लिया लेकिन हमें पता ही नहीं राम कौन है, क्यों? क्योंकि इसने बताइबा ही नहीं करा ना हॉस्पिटल ने कि भैया कहाँ है हॉस्पिटल में, कौन एडमिट है, बस हॉस्पिटल के नाम पे खाना जा रहा, हॉस्पिटल के नाम पे चाय बन रही, हॉस्पिटल के नाम पे फुलके बन रहे। पर इतना तो यकीन मान लीजिए कि इनके घर का कोई नहीं, क्योंकि सब दिख ही रहे हैं, पर इतनी चाय बना रही थी पता चल ही गया, मम्मी जी बढ़िया चैन से बैठ के कुर्सी पर खाए पी रही हैं ऑर्डर दे दे के, तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, फुलके जो बना रहा है उसी के घर का कोई इंसान है, इतना मान लीजिए। रज्जो भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर प्रमुखता से काफ़ी लोगों ने लिखा है। लोग टरू वाले पगलाए जा रहे हैं कि हमको बहुत चिंता है, बताओ हॉस्पिटल में कौन है, और ये लोग हॉस्पिटल में कौन है बताया ही नहीं, पूरा वीडियो बना के।
जो भी है, तुम लोग लोगों को उल्लू बना रहे हो, हॉस्पिटल का टाइटल डाल करके हॉस्पिटल में कौन है बताया ही नहीं, तो गालियां खाने वाला तो तुम लोगों ने काम किया है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हॉस्पिटल का पूरा टाइटल, हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा ये भी लिख दिया, पर रीज़न नहीं बताया। तो बढ़िया है, लोगों भर भर के इनको दो, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। हेलो दीदी, कैसे हो? दिल लग गया आपका मम्मी के बिना? अरे हमारी बग्गी का दिल लग जाता है, बस वो कुछ टाइम के लिए होता है। हमारी बग्गी को एंजाइटी हो जाती है, कैसे, जैसे झूठ की दीवानी को एंजाइटी होती है ना, वैसे हमारी बग्गी को भी हो जाती है। तो अभी ना थोड़ा सा सही है, अपनी बहन से भी बंधवा लेते आप, भाई थोड़ा रुक जाते अगर परेतिन नहीं थी तो। पागल हो गए हो क्या जो बीवी से राखी बंधवा रहे हो? लो जी, लगातार बार बार सिर्फ राखी को लेकर इनको टारगेट किया जा रहा है। खैर अब इससे ज़्यादा और क्या ही होगा, लोगों ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि राखी बंधुआ ही ली पीपू ने। वाह जी वाह, क्या बात है, दिन में तुम मेरे भैया और रात में बन जाओ मेरे सैया। हे भगवान, क्या क्या बातें लिखी हैं लोगों ने, जो कि काम ही इन्होंने ऐसा किया है जो कि इनको नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों की हमेशा से शिकायत रही है कि तो तुम बोलते हो ऐसा लगता है तुम्हारी गटाइये मटक जाता है, मुंह में समझ नहीं आता है, थोड़ा रुक के बोला करो इंसानों की तरह, क्या बोलते हो, फंस ही जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो ये था हमारे सबका वीडियो, जो भी ये कुनबावासी हैं इनका जो ये वीडियो है, इसमें साफ साफ क्लियर हो गया है कि भाई ये सिर्फ कहानी बनाने आए थे, और किसी और इनके जो भी ताई वाई के रिलेटिव हैं, ज़्यादातर रज्जो ही हो सकती हैं, तो उनके नाम पे इनको व्यूज़ खाने को मिल गए हैं, और आज अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, अब तक तो 5-6 हज़ार हो चुके होंगे। अपडेट नहीं हुए हैं क्योंकि अपडेट लेट में होते हैं, ये जिनका जिनका चैनल है उनको पता होगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई परेतिन और हमारी छोटी जिज्जी बड़ी जिज्जी की जो राखी तुमने ऐसे बोला है ना, परेतिन तुमको भाई लुटाए लुटाए के मारेगी। बाकी तुम लोग ट्रोल करना बंद कर दो बग्गी को इसके रिगार्डिंग कि वो क्यों नहीं दिखाती है परेतिन को। परेतिन आएंगी नहीं तो जबरदस्ती इतनी थोड़ी घसीट के ले आएगी कि चलो हम तुम्हें दिखाना है। चलो जी, टाटा बाय बाय।